जय महाकाल दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो हो गई है न्यू मॉर्निंग और मिश्री तो अपनी बुआ के साथ चली गई हैं। और ये देखिए, अभी मेरी कबाड़ा जो है वो सो रही है, और जब तक मेरी बिट्टू सोएगी मैं तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जब बिट्टू जग जाएगी तभी मैं बिट्टू को लेके ही जाऊँगी रूम से। तब तक मैं अकेले रूम में इंजॉय कर रही हूँ और आप लोग से थोड़ा हाय बाय कर रही हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे जग चुके हैं और मैं अपने बच्चों को लेकर आ गई हूँ मैरिज हॉल में, जहाँ की मंडप लगा हुआ था। और इधर शादी का संपन्न हो चुकी है और विदाई का कार्यक्रम शुरू है, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बिटिया की विदाई का। विदाई होने के बाद ही हम लोग चलेंगे आज जायस, आज मैं जायस जाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो यहाँ हम लोग जायस पहुँच गए हैं, और जायस पहुँचने के बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जहाँ की मैं चाय बना रही हूँ। और मेरी काव्या स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है, उसे जाना है स्कूल, और उसकी बुआ ने उसको टिफ़िन भी दे दिया है। इसके बाद क्या हुआ है, जो कपड़े हमारे थे शादी से आने के बाद निकले थे वो हमने धुल लिए हैं, और धुलने के बाद क्या है, इसमें ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश हो गई थी, तो इसलिए हमें सारे कपड़े पीछे बगिया से उठा के छत पे ला के डालने पड़े हैं। थोड़ी धूप थोड़ी बारिश थी और मैं वहाँ से वापसी की तैयारी में थी, पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि फिर हमने रुकने का ही प्लान बना लिया। और इधर देखिए, खाने का टाइम हो गया है। मेरी बेटी रोटी नहीं खाती है, इसलिए मुझे आज खाने में परेठे ही बनाने थे, तो यहाँ मैंने बनाया था परेठा और दीदी ने बनाई थी सब्ज़ी। यहाँ बिट्टू मेरी स्कूल से आ चुकी है, और देखिए अभी बारिश बंद नहीं हुई है। यहाँ 2:30-3 बजे तक बारिश हुई थी। ये है शाम का समय, जबकि मैं अपने बच्चों के साथ देखिए सारी पैकिंग कर रही हूँ और थोड़ी मस्ती भी कर रही हूँ। इसके बाद हम चलेंगे मार्केट। मार्केट जाने के लिए हमने बुला लिया है पुष्पा को, हम तीनों लोग मार्केट जाने वाले हैं। उसके पहले हम कर लेंगे अपनी थोड़ी सी पंचायत, बहुत दिन के बाद मिले हैं ना। यहाँ बच्चे मस्त हैं और हम निकल गए हैं बाज़ार के लिए। यहाँ मैंने कपड़े खरीदे क्योंकि जो कपड़े मैंने धुले थे वो तो सूखे नहीं, और जाने के लिए कपड़े पहनना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे अर्जेंट में मिसू के लिए कपड़े भी लेने पड़े। तो यहाँ मैंने कपड़े खरीद लिए हैं, काफ़ी ऊनी कपड़े हैं, तो देखिए काफ़ी लोड भी हो गया है। इसके बाद हम चलेंगे घर, क्योंकि अगली मॉर्निंग हमें बहुत जल्दी घर से निकलना होगा। वैसे भी हमारा एक दिन लेट हो चुका है, इतनी रात हो चुकी है, बच्चे मेरे अभी भी मस्ती कर रहे हैं। तो ये ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।